ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜੀ ਕੋਈ 40 45 ਸਾਲ 40 45 ਸਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਜ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 22 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਦੀ 20 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਆਪਕੀ ठीक है कुछ बताएं कहाँ पे रहती थी आप मैं इधर पहले लाहौर में रहती थी अच्छा जिस वक्त मेरी शादी हुई थी इसके अच्छा। साथ मेरे देवर ने जबरदस्ती करवा दी थी शादी इसके साथ थोड़ी सी ऊंची बोलना देवर मेरे ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी इसके साथ किसके साथ जायदाद के साथ जायदाद के लिए मेरे देवर ने जबरदस्ती राशिद के साथ शादी करवा दी थी जो 2 साल पहले हुई है 3 साल पहले 3 साल पहले जी बच्चे थे आपके पहली शादी जी कितने एक बेटी दो बेटे एक बेटी दो बेटे अच्छा फिर 2 साल किस तरह 3 साल गुजरे आपके 3 साल मेरे मसलन यही 6 माह सही गुजरे 6 माह के बाद उसने मारना पीटना शुरू कर दिया नशा बहुत ज्यादा करता था नशा करता था जी औरतों को घर पे लेके आता था पाउडर पीता था टीके लगाता था पाउडर और टीके लगाता जी चरस भी पीता था चरस भी पीता था सही है तो किधर रहती थी आप उसके साथ इधर मेरा अपना घर था जाती मैंने मेहनत मजदूरी करके मैंने खुद ने बनाया था तो वो उसने लालच में शादी की आप अपने घर में रहती थी क्यों वो गरीब था जो पाउडर और चरस पीता था जी है? जी तो लालच किस चीज की लालच यही कोई दूसरा के भी मेरा ये काम वाम करती है और घर अपना इसका मैं खुद दूसरा मुझ नशा वगैरह करने के लिए सही रहूंगा जबरदस्ती देवर ने शादी की जी मेरे देवर ने मेरी शादी इसके साथ की देवर के साथ रहती थी नहीं खामद किधर गया था खामद मेरा फौत हो गया था फौत हो गया था जी फिर देवर ने कैसे शादी देवर ने मेरे बच्चे साइड पे ले गया था कहता था इसके साथ शादी करेगी फिर उसके बाद आपको बच्चे मिलेंगे कितने बच्चे थे दो बेटे थे एक बेटी दो बेटे तीन बेटियां एक बेटी तीन बच्चे थे वो कहाँ पे रहते थे वो मेरे पास रहते थे पहले अच्छा। लेकिन जिस वक्त मेरा मियां फौत हुआ उसके बाद उन्होंने मुझसे दूर मियां कर दिया कब फौत हुआ था ये तकरीबन मेरी शादी के एक माह पहले वो फौत हुआ था एक माह गुजरा था मेरी शादी कर दी मेरे देवर ने अच्छा एक माह बाद ही कर दी अभी पूरा 3 माह पूरे भी नहीं की करने दिए आपको नहीं अच्छा जबरदस्ती कर दी गन पॉइंट पे की थी नहीं गन पॉइंट पे नहीं मेरे बच्चों को साइड पे ले गए थे कहते थे बच्चों को तब मिलने देंगे जब तू शादी कर लेगी ठीक है आपके भाई बहन है नहीं मेरे भाई बहन कोई नहीं है नहीं। आपका अच्छा बच्चे बच्चे कितने कितनी उम्र के यही बड़ा बेटा 10 साल का अच्छा उसके बाद छोटी बेटी उसके 3 साल वक्फा वो छोटा बेटा 7 साल का ये दूसरा शौहर था आपका जी। पहला शौहर फौत हो गया दूसरे शौहर से शादी जबरदस्ती करवा दी फिर कैसे जिंदगी गुजरी 3 साल 6 माह पहले सही गुजरे 6 माह ठीक गुजरे 6 माह हां जी 6 माह के बाद दूसरा उसने नशा जो पहले चोरी छुपे करता था फिर शरेआम बैठ के करने लग गया फिर उसने औरतें घर पे लाने शुरू कर दी और मर्द घर पे लाने शुरू कर दिए सही अगर घर पैसे नहीं देते थे मारता था अच्छा और उनको जो औरतें से पैसे मर्द ले देती थी कढ़ाई का काम करती थी लहंगे साड़ियां बनाती अच्छा, थी ठीक है और उसके बाद दूसरे जेब किस जगह पे इधर पुराने कान्हे जन्नत कुर्बा कानूनी में अच्छा फिर और उसके बाद दूसरा उसने मैंने बहुत उसको समझाया कि भी ये काम छोड़ दे नशा वगैरह भी छोड़ दे औरतों का काम भी छोड़ दे फिर उसके बाद उसने कसम उठाई कहता मैं उधर जाके ना अपने माँ बाप के साथ जाके वहाँ पे छोड़ दूंगा नशा वगैरह भी छोड़ दूंगा ये औरतें लानी भी छोड़ दूंगा मैं कमाऊंगा तुम बैठ के खाना उसके माँ बाप कहाँ रहते थे बिहाड़ी गड़े मोड़ ठीक है वो अकेला ही था आपके साथ जी और मैंने दूसरा इधर से अपनी जो जगह थी बेच के उधर चली गई उधर चले गए जी अच्छा उधर जाके उसके माँ बाप के दरवाजे के सामने जगह 4.5 मरले का प्लाट ले लिया प्लाट लेके बच्चे भी ले गई साथ नहीं बच्चे इधर ही छोड़ गई थी बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया था देवर के पास मेरी नंद ले गई थी अच्छा फिर और उसके बाद दूसरा उसने मसलन उधर जाके उसने ना ये काम और ज़्यादा शुरू कर दिया औरतों वाला भी और नशे वाला भी मारपीट भी उसके वालद ने भी मारना शुरू कर दिया उसके भाइयों ने भी मारना शुरू कर दिया बहन ने भी मारना जिसने देखा उसने मारना शुरू कर दिया सही औरतें लेके आए उनको पका के नहीं दिया तब मारा उनको धो के नहीं दिया तब मारा यहाँ तक करके भी मैंने तलाक ली उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा के चरी मकई में उठा के ले जाके ज़बरदस्ती करवाई करवा के किससे करवाई लोगों से अच्छा मेरी वीडियो बना तलाक ले ली थी जी अच्छा मेरी वीडियो बना ली उनके पास ही है अच्छा, अहमद हसन के पास अच्छा वो कौन है अहमद हसन ये इसका गुरु है अच्छा जो धंधा करवाता है इसे ठीक है धंधा करवाता है जी औरतों का मसलन वो औरतें लाता था इसको आगे देता था ये आगे सेल करके आता था औरतों को ठीक है सही फिर
उसके बाद दूसरा इतना ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया, हर बंदे ने मारना शुरू कर दिया, हर बंदे ने मारना शुरू कर दिया। मैंने तलाक ले ली, तलाक के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करवाई। मैंने दरख्वास्तें दी, कोर्ट में भी रिट भी की, लेकिन मेरी अपील नहीं किसी ने भी सुनी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने दिल में सोच लिया था कि फिर इसको मार ही दूंगी, जान से मार दूंगी। अच्छा, वो कब सोचा आपने? उधर ही वह बिहाड़ी व्याड़ी में सोच लिया। जी ठीक है, कितनी देर पहले की बात है? यही उसके मारने के 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले जी, उसे मारने वो उधर से औरतें लेके आया था इधर लाहौर में बेचने के लिए। हो चुकी थी आपकी? जी। अच्छा, तो बेचने के लिए व्याड़ी? जी, मैं उधर ही अपने घर रहती थी। अकेली? जी, 15-20 दिन पहले इधर आ गया। आके उसने दूसरा इधर औरतों को लेके आया था बेचने के लिए, रास्ते से औरतें भाग गई उसे। अच्छा, रास्ते से औरतें भाग गई। अहमद हसन ने उसको फोन के ऊपर बना लिया, फोन कर करके उसको टॉर्चर करता था, वो फोन कर करके मुझे टॉर्चर करता था, जा तो इधर आ जाओ, आके मेरे साथ दूसरा औरतों को ढूंढने में मदद करो, नहीं तो मैं वहाँ पे आ गया आपका बुरा हाल करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। औरतें आपके पास रहती थी वो जो अहमद हसन लेके आता था? हाँ, वो आपके पास रहती थी। फिर आप आगे लोगों को देती थी? मैं नहीं देती थी, वो देता था, मेरा मियाँ। पैसे लेते थे उसके? वो लेता था पैसे। आपको नहीं देते? नहीं, मुझे नहीं देते थे। मैं सिलाई कर कढ़ाई भी कर लेती थी, जो 200 भी है मेरे पास वो भी दूसरे छीन लेते थे। चलो ठीक है, 10-15 दिन पहले आपने सोच लिया उसके मारने से? जी, उस वक्त सोचा था, जिस वक्त औरतें उससे भाग गई, उसने अहमद हसन ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया फोन कर करके। फिर मैंने वहाँ से दूसरा 5 MG की गोलियाँ ली और तजाब लिया, अल्फी ली मैं वहाँ से। 5 MG कौन सी? 5 MG नशे की गोली। अच्छा, साथ लिया तजाब? साथ में तजाब लिया, अल्फी ली और रूई ली। वहाँ से मैंने दूसरा बर्तन लिए खाने पीने के और बैग में बिस्तरा डाल लिया, डाल के मैं वहाँ से आ गई। किधर? इधर लाहौर। अच्छा, लाहौर आई न्याजी अड्डे से, उसने मुझे आगे से ले लिया। अच्छा, वो लाहौर आ गया हुआ था? जी। आप बिहाड़ी थी अकेली? जी। अच्छा, उसने रिसीव किया? जी, उसने तलाक के बाद भी। जी। अच्छा, और मुझे ब्लैकमेल करता था फोन पे, जहाँ तो इधर आ जाओ मेरे साथ, उस औरतों को ढूंढवाओ, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। अच्छा, या मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके वालद को भी पता था, उसकी वालदा को भी, उसकी बहन ये काम खुद करवाती थी। इधर आ गई कहाँ पे? न्याजी अड्डे में। अच्छा, न्याजी अड्डे से उसने मुझे लिया, लेके नए कान्हे में आके उतर गया। नए कान्हे में आके पहले तो मुझे कहता था उधर मकान लिया किराए पे और औरतों को ढूंढने के बाद आपने चले जाना। वहाँ पे आके दूसरा मैंने गोलियाँ पीस ली। जो मारा घर था इधर? जी, किराए पे लिया था मकान। कान्हे में? जी। अच्छा, गोलियाँ पीस ली? गोलियाँ मैंने, उसने मुझे पहले मारा पीटा, आते समय ना घर ला के मुझे मारा। तो आपने मारना ही था, वो मारता या ना मारता, आप पहले प्लानिंग करके आई हैं चीजें? उसने उसके बाद दूसरा जी गोलियां पीस ली, पूछ के जो पाउडर खाता था, पाउडर वाली दवाई जो फेंक दी मैंने, उसके पुड़िया में वो डाल दी। अच्छा, उसकी पुड़ी में वो डाल? जी, उसने वो मैंने चाय घर बना के दी, उसने चाय के साथ वो तीनों पुड़ियाँ खा ली। तीनों खा ली? हाँ जी। उसके बाद उसने दो टीके लगाए, एक हाथ में एक इधर, दूसरा टीके लगा के फिर उसके बाद उसने पाउडर पिया, पाउडर पी के वो सो गया। सो गया? जी, बेहोश हो गया। जी। अच्छा। जिस वक्त वो सो गया मैंने हिला के देखा, नहीं हिला। मैंने दूसरा रूई के ऊपर अल्फी डाली, अल्फी डाल के उसके मुँह पे लगा दी। एल्फी मुंह पे लगा दी यहाँ पे? जी। अच्छा, और उसकी जलन हुई, उसने अपने हाथ से खींच के अपनी आंखों पे खुद ही लगा ली उसने। अच्छा, आंखों पे भी लगा ली? जी। फिर? वो खुद ही लग गई उसकी हाथ से। फिर मैंने दूसरा रुई उसके नाक में दी, नाक में दे के उसके दूसरा, जिस वक्त वो थोड़ा सा हिला जुला, तकरीबन एक घंटे तक थोड़ा हल्का फुल्का सांस लेता रहा, उसके बाद दूसरा उसने सांस लेना बंद कर दिया। मैंने मंजी के नीचे उतारा, उतार के उसके कपड़े उतारे, उसके चेहरे के ऊपर वो तेजाब डाला, तेजाब डाल के मैंने शापर डाल दिया ऊपर, ऊपर से थोड़ा तोड़े में डालने लगी, तोड़े में नहीं डाला, फिर मैंने बैग में डाल दिया। तेजाब से जल गया पूरा चेहरा उसका? नहीं जला, नहीं। अच्छा। मैंने देखा नहीं था बाद। अच्छा। में दूसरा मसलन तस्वीर देखी मैंने, अभी नहीं जला। ठीक है, फिर? जी, उसके बाद मैंने बैग में डाल के बाहर रात पूरी उधर ही रख दिया। सुबह के टाइम पे मैंने तकरीबन 10 बजे मैंने बाहर निकाला खींच के, बैग का पहिया टूट गया। रिक्शे वाले को आवाज़ दी, उसने 200 रुपया लिया, लेके उसने स्टॉप पे छोड़ दिया, स्टॉप पे छोड़ा उसने। वहाँ से मैंने 500 रुपया दिया रिक्शे वाले को, इधर स्टॉप पे छोड़ दिया, इधर छोड़ के मैंने उधर दूसरा पुराने कान्हे में, पुराने कान्हे में। अच्छा, उधर से फिर मैंने बैग कपड़े उठाए, उठा के मैं बिहाड़ी चली। कहाँ पे फेंका, कहाँ पे ला? इधर वडाने नहर में? नहीं, वडाने स्टॉप पे।
वैसे ही ओपन ही फेंक दी जी, बैग। अच्छा जी, फेंक के कहाँ पे गई? मैं पुराने खाने में जाके क्वार्टर के ऊपर कपड़े उठाए, उठा के मैं बिहाड़ी चली गई वापस। बिहाड़ी जी, वहाँ पे नहीं बताया किसी को? रहती नहीं, चुप करके मैं उधर रहती रही। उसकी माँ ने पूछा किधर है, मैंने कहा वो पक्की नौकरी पे लग गया। पक्की नौकरी लग गया जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैंने फ्रिज बेच के मैंने ईंटे मंगवाई, ईंटे मंगवा के मैंने ऊपर की चार दीवारी करनी थी, और मैंने कहा चार दीवारी करके मकान बेचना लगाया था। जिसको जो भी आता था मकान लेने के लिए वो कहता था ऊपर की पर्दी नहीं है, ऊपर की पर्दी नहीं है, हम लोग मकान नहीं लेते। मैंने मकान बेचना लगाया था फिर, और बिक गया? नहीं अभी नहीं बिका, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो फिर पकड़ी कैसे गई? पता नहीं, मुझे नहीं पता पुलिस वालों कहाँ से पुलिस ने पकड़ा। उधर से ही वहाँ पे ही आ गई बिहाड़ी से, आ गई पुलिस और ले गई आप। ठीक है, कत्ल का मंसूबा तो आपने बनाया, देखा कहाँ पे था कि इस तरह से कत्ल करना है, एफी डालनी है और वो चीजें चूजें, फिर किस कैसे पता लगा कि इस तरह? कढ़ाई का काम करती थी, काम करते करते दिमाग में बैठ गई बात, दिमाग में आया कि इसे इस तरह से कत्ल करना है। जी जी, तो शुरू से ही गलत आदमी था। छह महीने कह रही है अच्छे गुजरे, छह महीने पहले सही गुजरे। वो कैसे गुजरे? मसलन उसने पहले नशा वगैरह करता था, बाहर जाके करता था, हॉस्टल में जाता था उधर ही करता था। जिस वक्त दूसरा मसलन छह माह के बाद दूसरा उसने घर पे बैठ के नशा वगैरह करना, मैंने उसको मना किया, उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने हॉस्टल में काम छोड़ दिया, उसने फिर इधर बैठ के औरतों को लाना शुरू कर दिया, मर्दों को लाना शुरू कर दिया। जो किया उस पे शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो है वो है जी। क्या करना चाहिए था? ये मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने पुलिस वालों से मदद ली थी बहुत ज्यादा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं ली थी उधर बिहाड़ी में। अच्छा, गई थी पुलिस के पास? क्या कहती पुलिस? पुलिस वालों ने मेरी सुनी नहीं। गड़े मोड़ चौकी भी मैंने काफी दरखास्तें दी, मित्रू थाने में भी दी, जो मैंने इसने मेरे साथ जबरदस्ती करवाई थी लोगों से, वो भी मैंने मेलसी थाने में भी दरखास्त भी दी थी, मेडिकल भी करवाई थी। दूसरी पहली थी? अच्छा, उसकी पहली जी। सही सही, तो कोई जाके डर लगा, खौफ आया, कोई घर चली गई? खौफ तो आता, दूसरा भी आता, खौफ तो आता था जी। तो जो किया है वो ठीक किया? ठीक तो नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, नहीं सजा मिलनी चाहिए आपको। ये आगे भी काफी औरतें बच गई है उसके अच्छा जंगल से, सजा मिलनी चाहिए आपको जैसे खुदा की मर्जी। क्या कहेंगी देखने वालों को, क्या मैसेज देंगी? आपने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है, इस तरह से एक फिल्मी अंदाज से कत्ल किया है, क्या करना चाहिए? कत्ल करना चाहिए सबको? कत्ल तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने मजबूरी जहाँ तक कर दिया था कि कत्ल करने पे मजबूर हो गई थी। उसने अकेले ने मजबूर नहीं किया था, उससे उसकी वालदा, उसकी बहन, उसका वालद, उसके भाई, एक यहाँ तक करके भी गैर मर्द भी, दूसरा उसके दोस्त जो उन्होंने भी इतना सारा काम खुद अकेले किया, कोई शामिल नहीं, नहीं था आपके साथ? मेरे साथ कोई नहीं था। तो कोई रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी नहीं है आपका, अकेली हैं, सिर्फ बच्चे हैं? तो बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों जहाँ पे पहले रहते, तीन साल पहले नहीं मुझे मिलने दिया उन्होंने। बच्चे ठीक है? बच्चे वहीं पे रहेंगे अभी। आप क्या करेंगी जेल में जाके? अब अल्लाह वारा से जो अल्लाह ताला सजा देगा। इंतजार करेंगी? इंतजार किस चीज का? मौत का इंतजार करूंगी, कब आएगी? तो क्या समझती हैं इसमें सारी गलती उन्हों की थी, जबरदस्ती आपके साथ सब कुछ की है, कि आपकी भी रजामंदी शामिल थी? मैंने कभी दिल से रजा होके ये काम नहीं कर सकती। तो कत्ल क्योंकि मैं कुराने पाक पढ़ी, कत्ल करने का ख्याल बस जब इंसान यहाँ तक कर नफरत किसी के दिल में भर दे ना, फिर कोई ना कोई मजबूरन कदम उठाना पड़ता है। और इतने सफा करना, तरीके से कत्ल करना, बड़े हौसले की बात है, मतलब एल्फी लगा देना मुंह पे, कानों में रुइयां, नाक में रुइयां दे देना जी, तो मतलब नफरत की वजह था, शदीद नफरत हो गई थी, शदीद इतनी ज्यादा नफरत की मैं खुद भी समझ नहीं आई कि कर क्या रहूं। कैसे अकेले ने बैग में कैसे डाला आपने? नीचे जमीन पे उसको लटा के बांध के उसको बैग ऊपर उल्टा करके। कितनी देर लगी ये सब कुछ करते हुए? ये कोई आधा घंटा लगा होगा। आधा घंटा लगा होगा। बैग फिर उठाया किस तरह से? रिक्शे में रखने पहिए वाले, पहिए उसके पहिए वाला जी। तो जब रिक्शे में रखना था तो वो रिक्शे वाले ने आवाज दी एक बंदे को, उन्होंने दोनों ने उठा के, उन्होंने नहीं पूछा इतना, उन्होंने पूछा, मैंने कहा बर्तन है और बिस्तर है इसमें। अच्छा, खून छून नहीं लगा हुआ था? नहीं। फिर बाहर सड़क पे फेंक दिया यहाँ पे ला के जी।